अच्छी नई कोई चीज़ आ रही है हमारे बीच में, आप सभी को हमने देखा बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। जी आपसे स्टार्ट करेंगे, डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने अभी कांदार हाईजेक कम्प्लीट की है, बहुत ही ब्रिलियंट आपने काम किया है। तो आपसे स्टार्ट करेंगे विनी एंड फैमिली, इस बार हमने ट्रेलर में देखा, हमने बहुत सारे इंटरव्यू भी सुने, हमें पता है कि आप किस अंदाज में आने वाले, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर इस बार किस अंदाज में आप आने वाले, क्या कुछ करने वाले हैं। बेटा एक कहानी का हिस्सा हूँ मैं, जो कहानी संजय जी ने लिखी है, एक परिवार की कहानी है, उसमें जो ग्रैंडफादर का कैरेक्टर है वो रोल मैं अदा कर रहा हूँ इसके अंदर। और जाहिर है कि कहानी एक सर्टन जगह पे सेट है, कैरेक्टर्स का एक सर्टन बैकग्राउंड है, तो हम लोगों ने कोशिश की है डायरेक्टर और राइटर की मदद से उस उन कैरेक्टर्स को अपनाने की और इस कहानी के तहत अपने ऑडियंस तक पहुंचाने की। सो वही एक काइंड ऑफ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम अ कॉलेज जो अपने परिवार के साथ समय बिताता है, उस तरह का ही एक किरदार है जो इस फिल्म के अंदर मैं निभा रहा हूँ। मैं इन दो जनरेशन के बीच वाला जनरेशन हूँ जो ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन बोथ। शायद कम्युनिकेशन गैप होने का जो कारण रहा है उसको फिलअप करने की कोशिश करता है, एंड इट्स अ वेरी टूडेज कैरेक्टर, वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर, और ये अनंत अनादि से हर परिवार की कहानी है और अगले कई जन्मों तक ये कहानी रहेगी। सो जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि एक ऐसी यूनिक स्टोरी टेलिंग है जहाँ पहली बार मेरे हिसाब से भी, हम सबके हिसाब से पहली बार दादा और पोती की कहानी कही जा रही है। हर तरह की कहानी है, हर तरह के समीकरण बैठते हैं, लेकिन ये समीकरण पहली बार बैठाया गया है। सो दैट्स वेयर दी ऑडियंस इज गोइंग टू एंजॉय समथिंग न्यू, और उसमें मेरा जो कैरेक्टर है विनय का, वो कुछ नयापन मिलेगा जरूर उसमें देखने को। अंजनी जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फिल्म के लिए एंड करियर के लिए, एंड किस आप क्या देखने, किस हमने देखा ट्रेलर, किस अंदाज में आप देखने को मिलेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी ये पहले भी विनी फैन। आई थिंक विनी एक बहुत ही रिलेटेबल लड़की है, हर एक 18 साल की लड़की रिलेट कर पाई, उनके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ घटना तो हुई होगी जो विनी के लाइफ में हुई है। वो रिबेलियस है बट ऑल्सो सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत दिल से सोचती है बट फिर उसके 18 ईयर ओल्ड टैंट्रम्स भी आ जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। सो आई थिंक गुड मिक्स है ऑफ प्योर हार्ट एंड रिबेलियस गर्ल, एंड वो अपने आप को डिस्कवर करती है, वो इट्स लाइक अ कमिंग ऑन एज फॉर हर, लाइक बिनी अपने आप को ढूंढती है, डिस्कवर करती है, नए रिलेशंस को डिस्कवर करती है जो उसने शायद अपनी लाइफ में उतना अटेंशन नहीं दिया होगा। पंकज जी जब आपको बताया गया कि इस फिल्म में पंकज जी जिन्हें हम बचपन से देख कर आ रहे हैं, एक से एक फिल्म में अभी मैं नाम बताऊँगा तो आज हमें तो ऐसे राजेश जी को हमने ढेर सारी फिल्म में देख, जब आपको बताया गया कि दो हमारे हिंदी सिनेमा के मजे हुए उनके साथ आपको काम करना है, वो भी जब डेब्यू फिल्म, कितना नर्वसनेस था आपके अंदर, कितना क्या कुछ था, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? आई थिंक मोर देन नर्वसनेस, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि अपने फर्स्ट फिल्म में मुझे इतने वेल एस्टैब्लिश एंड लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और सीखने को मिला। आई डोंट थिंक किसी को अपने फर्स्ट फिल्म में इतने ईजिली सर जैसे कैलिबर के एक्टर्स को के साथ काम करने का मौका मिलता है, सो डेफिनेटली आई फील वेरी लकी। नर्वसनेस की बात हो तो डेफिनेटली नर्वस थी शूट के जाने से पहले, आई थिंक शूट का माहौल बहुत कंफर्टेबल था, बहुत फैमिली जैसा था, हम फैमिली फिल्म शूट कर रहे थे तो नेचुरली वो फैमिली इन्वायरमेंट बन गया था बिकॉज हम बॉम्बे में नहीं शूट कर रहे थे, एंड सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। आई थिंक हमारी बहुत बातचीत हुई, उन्होंने कहा था आई रिमेम्बर कि रिलैक्स, वेन एवर यू नीड मी टू गिव यू क्यूज यू हैव टू टेल मी। आई थिंक वो बात ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया, एंड एज फॉर राजेश जी इज एक्चुअली फ्रेंड्स विथ माई डैड इन रियल लाइफ,
जो मुझे काफी बाद में पता चला, हमारे लुक टेस्ट के दिन में डैड आए थे देखने एंड यूज लाइक ओह यू आर हियर हाय एंड आई वाज लाइक ओह वाओ. सो उन्होंने साथ में काम किया है तो मेरे डैड से एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सिमिलर है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका काफी आई हैव बेटर या यू हैव बेटर आई विल गिव दैट. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सिमिलर लाइंस में बहुत तो वो नेचुरली वो बॉन्ड इंस्टेंटली बन गया था. पापा होते हैं फिर डांटेंगे, दादा होते हैं वो समझाने के, तो आपके घर में ऐसे कैसा बैलेंस करते हो सारी चीज़ें? मतलब रियल लाइफ में बोल रही हैं कि यहाँ बोल रही हैं? सेम अगर रियल लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट मतलब चल ही रहा है बिकॉज जनरेशन गैप होने के कारण, इन द सेंस कि जनरेशन गैप से ज़्यादा ना कई बार जगह का भी गैप जो है ना वो बहुत चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने पे मजबूर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द मोमेंट बच्चे बच्चे आपके मेट्रो में रहते हैं, जैसे मेरे पिताजी बिहार में गया एक जगह है, मतलब सब लोग जानते ही हैं, तो गया में एक गांव में रहते हैं, मतलब प्रॉपर गांव जहां अभी भी दोपहर को 12 बजे आपको झिंगूर की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब इतनी शांति है. यू नो हिम कमिंग फ्रॉम द स्टेइंग थ्रू आउट हिज लाइफ उस तरफ के एरिया में, और मेरा बेटा मुंबई में रह कर के सडनली यहाँ के पेस और सारी चीज़ों को, लेट नाइट्स को अपना बना लेना और वहाँ पे रात को 8 बजे सारा कुछ ख़त्म हो जाना, वो एडजस्टमेंट जो है ना वो शुरू में बड़ा, मेरे पिताजी कई बार टोक देते थे कि 11 बजे तक जगा हुआ है, तो ये होता था 11 बजे तो अभी मैं शूट से शायद लौटता हूँ, यू नो आप उस जोन में रहते हैं. तो फिर कुछ समय के बाद मेरे पिताजी एडजस्ट हो गए और उन्होंने अब बोला कि नहीं नहीं कितना दिन है, चलो 1 महीने में इनका व्यवहार तो नहीं बदलता, मैं ही कोशिश करता हूँ कि 9 बजे तक जग जाओ. 8 बजे सो जाते हैं सर, 8:15 बजे मैं खुद फ़ोन नहीं करता हूँ. कई बार रात को 10:30 बजे नींद खुलती है तो पता चलता है कि एक पहर सो चुका हूँ मैं. तो इस तरह से अब तो जगह जो परिवर्तन होता है ना वो भी बहुत आपको यू नो गैप को बड़ा दिखाता है, बट देन आई थिंक इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स. सर आपको पंकज जी ये जो जनरेशन गैप एक्सपीरियंस है कि आपके रियल लाइफ में भी आप दिखाता है यहाँ भी आप उसी? मेरा ख्याल अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत छोटे हैं और वो इस एज में अभी नहीं पहुँचे हैं, जब वो पहुँचेंगे तो समझ में आएगा कैसी चीज़ें होंगी. मगर जो मैं समझ सकता हूँ आज की तारीख में वो ये है कि हर एक जनरेशन की ज़िंदगी अलग होती है, हर एक जनरेशन अपने साथ कुछ नई चीज़ें लेके आती है, और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो जनरेशन सीनियर है वो जनरेशन उस जनरेशन से सीखने की, उनके साथ चलने की कोशिश करें, तभी आप उनके साथ वो कम्युनिकेशन जो है वो पैदा कर पाएंगे, और बिना कुछ कहे उनके लिए कुछ ऐसी सीख भी छोड़ जाएंगे जिसको वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अन कहे अपना लें. आई थिंक उनसे सीखा है सर नीचे रखो और काम करते रहो एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, लाइक कॉन्फिडेंस जितके जितना और एनर्जी जितना उनके पास है आई थिंक बहुत कंटेजियस है. सो फर्स्ट फिल्म है सो कितना आपके लिए एक्साइटमेंट होता है, कितना नर्वसनेस होता है एंड कितना आपको सभी से ढेर सारी और एक्टर के साथ में काम करने का इंतजार है आपको? आई थिंक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. मैं वेट नहीं कर सकती जिस दिन आप सब मूवी देखेंगे. हर एक दिन एक साल की तरह गुजर रहा है बिकॉज आई नो इतना क्लोज है रिलीज डेट. सो बहुत एक्साइटमेंट है एंड मैं मेरी फर्स्ट फिल्म है तो नेचुरली मुझे सबके साथ काम करना है, मेरे को हर टाइप की मूवी करनी है, सब कुछ करना है. बहुत अभी बहुत ज़्यादा फायर और एक्साइटमेंट है. चलिए पंकज जी आपसे स्टार्ट करूँगा मैं. 20th of September को ये फिल्म आ रही है, एंटरटेनमेंट है जी, फन है, बहुत ही फ्रेश आने वाली है, ये ऐसा हमें हर जगह से सुनने को मिल रहा है. क्या कहेंगे 20 September को? मैं यही कहूँगा कि ऑडियंस आए और पहले भी मैंने कहा है परिवार के साथ आए और इस फिल्म को देखे. फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मैं बाई चांस ये बात बोल रहा हूँ कि
कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने परिवार के इंतजार में बैठे हैं, तो अलग अलग तो अलग अलग जगह के ऊपर भी लोग हैं, जैसे हो सकता है आपके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं और बहन उसका इंतजार न करें, सारे इकट्ठे हो जाएं, जहाँ मुनासिब हो सके वहाँ परिवार साथ जाए, जहाँ ना मुनासिब हो सके वहाँ आप जाएं, जो कोई परिवार वाला दोस्त मित्र पड़ोसी जो भी जिसके भी आप क्लोज हैं जहाँ आप रह रहे हैं उनको साथ लेके जाएं। और फिर फिल्म ख़त्म होने के बाद हम सारे ही उम्मीद करते हैं, और हमसे ज़्यादा हमारे डायरेक्टर साहब और राइटर साहब संजय त्रिपाठी जी महसूस करते हैं कि उसके बाद हमें यकीन है कि टेलीफोन उठेंगे, फेस टाइम होगा, और जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जहाँ पे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वहाँ पे बातचीत होगी और फिल्म का जिक्र होगा। हम दरअसल सारी कास्ट और क्रू इसी इंतज़ार में हैं कि वो कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगा तब हमें लुत्फ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा और महसूस होगा कि हम आप सब तक पहुँच पाए। मेरा यही कहना है कि 7 सितंबर से गणपति फेस्टिवल शुरू हो रहा है, पप्पा का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, 11 दिन का है, 18 तक चलेगा, ये फेस्टिवल 20 से और कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस इज़ बिनियन फैमिली इज़ अ फेस्टिव ओकेजन फॉर एवरीवन, एंड आप इसको फेस्टिवल की तरह लें और इसका आनंद उठाएँ। और इस फिल्म पर वाकई पप्पा का आशीर्वाद है, क्योंकि जिस जिन जिन मुश्किलों से ये फिल्म गुजरी है और जैसे जैसे शूट हुआ है, ये बप्पा का ही आशीर्वाद हो सकता है कि आज इस मुकाम पे है। द ट्रेलर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, द अंजनी इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, पंकज सर इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड आई थिंक मतलब दिस विल क्रिएट सम बज अमंगस्ट ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तीन जनरेशन एक साथ सर जी, थैंक यू, थैंक्स सो मच, शूट भी ऐसा ही होना चाहिए, मूवी हिट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपके मूवी की शक्ल, यस थैंक यू, सुपर है, बाय, एक दोनों का या लुक कैमरा लुक, नाउ टू जनरेशन पिछड़े सभी बारी बार नहीं, अच्छा मूवी जितनी प्यारी है ना उतनी प्यारी। फिर से सोलो करते हैं, एक सोलो करते हैं। मैं नीचे आ जाऊँ? हाँ आ जा, हाँ क्या क्या मैंने लू मैंने कैमरा लो बिन लू क्या प्लीज हेयर ओनली, ओह थैंक यू, इधर Rajesh sir, you've gone wait, for a nice stroll only over there. एकदम walk पे चले गए। तो क्या? Done by? No, wait 2 minutes. Sir. Done. Thank you. All the best. Thank you. Bye. Thank you. Billy Pluto, Billy. This one is right. This one, this one is another. This one is another. Pit wood avoid. Rajesh sir, इधर दीजिए. Sir, आप fit ही हो अभी तक. पेट पढ़ाए तब जाके काम मिलना चाहिए। हाँ सब गेम उसके ऊपर डिपेंड है, अभी पेट का सवाल है सर। इधर